Assalamualaikum everyone and welcome to your next video on file system in Android development. और आज किस file system की वीडियो में जो चीज़ हमने देखनी है वो ये कि किस तरीके से हम अपनी application की internal storage के ऊपर अपनी custom data directory को create कर सकते हैं। ये हमारी एंड्रॉइड फाइल सिस्टम के ऊपर इंटरनल स्टोरेज के ऊपर लास्ट वीडियो होगी। तो कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा प्रोजेक्ट के अंदर दो मैंने जैसे आपको नजर आ रहा है दो एक्स्ट्रा बटन ऐड किए हैं। तो जैसे यूजर क्रिएट डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करेगा तो जो हमारी इंटरनल स्टोरेज की रूट डायरेक्टरी होगी ना कि हमारी फाइल्स की डायरेक्टरी बल्कि इंटरनल स्टोरेज की जो हमारी रूट डायरेक्टरी होगी उसके अंदर एक हम अपनी कस्टम डेटा डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे और जैसे ही हम रीड कस्टम डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी फाइल के अंदर डेटा हमने राइट डाउन किया होगा वो हमें यहाँ पे शो होगा। तो इस डेमो के लिए मैं सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल को राइट करूंगा। तो अगर मजीद अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहें तो वो आप एज अ प्रैक्टिस के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए आई एम हियर टू हेल्प। तो कोड स्टार्ट करते हैं। मेन एक्टिविटी डॉट जावा के ऊपर अगर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास आपको दो एक्स्ट्रा मेथड नजर आ रही है, रीड कस्टम डेटा, क्रिएट कस्टम डेटा डायरेक्टरी। तो पहले हम कस्टम डेटा डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। तो मैं आऊँगा इस मेथड के अंदर, स्टैंडर्ड जावा का आईओ कोड होगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो स्पेसिफिक होगी एंड्रॉइड के लिए। तो यहाँ पे मैं फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, फिर इसके साथ मैंने यहाँ पे मेथड कॉल करना है गेटडर का। अब गेटडर का मेथड हमसे दो चीज़ें लेगा, पहले ये इसको पास कर देते हैं, पहले नंबर पर हमने इसको डायरेक्टरी का जो है हमें नाम पास करना है। तो मैं कॉन्स्टेंट मेरे पास ऊपर अवेलेबल है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है dir underscore नेम डायरेक्टरी का नाम है वो पास कर दूंगा, एंड पे मेरे पास मोड है। तो यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है अगेन हमारे पास ओपन फाइल आउटपुट की तरह हमारे पास यहाँ पे दो ही जो है वो मोड्स हैं, मोड प्राइवेट मोड अपेंड। अब एंड्रॉइड की जो काफी पुराने वर्जन थे उनमें हमारे पास ये फैसिलिटी थी कि हम अगर इसका मोड वर्ड रीडेबल या वर्ड राइडेबल रख देते थे तो जो हमारी दूसरी एप्लीकेशन थी वो भी हमारी इस इंटरनल स्टोरेज के ऊपर हमारी इस डायरेक्टरी को या इसके अंदर अवेलेबल फाइल्स को एक्सेस कर सकती थी। लेकिन अभी ये कि हमारे पास सिक्योरिटी एक्सेप्शन है और ये बेसिकली हमारे पास डेप्लीकेटेड हो चुके हैं दोनों मोड्स, आपको इनके ऊपर एक जो है वो लाइन भी नजर आ रही है इसलिए क्योंकि ये दोनों डेप्लीकेटेड है। अभी हमारे पास सिर्फ दो ही मोड्स हैं, प्राइवेट और अपेंड, और अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी एप्लीकेशन ही इनको इन फाइल्स को इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकती है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आप इस डायरेक्टरी की इंडिविजुअल, इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी उनका इंडिविजुअल मोड सेट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक हमने अपनी इंटरनल स्टोरेज की डायरेक्टरी के जो फाइल्स की डायरेक्टरी के अंदर हमारी फाइल्स उनके साथ हमने किया था। यहाँ पे आप पूरी डायरेक्टरी का मोड जो है एज अ होल सेट करेंगे। तो मैं इसका मोड जो है वो प्राइवेट रखूंगा और मोस्टली हम इसको प्राइवेट मोड में ही यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपको पता है कि जावा के अंदर हमारी इस फाइल ने बेसिकली हमारे इस पाथ को जो है वो कंटेन कर लिया, तो मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा पाथ में। तो अब जैसे मेरे पास ये पाथ आ गया, अब अगर गेटडर का मेथड ये कहेगा कि अगर तो इस पाथ के ऊपर कोई डायरेक्टरी, ये वाली मेरी डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती होगी तो ओके है, अदरवाइज अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो इस डायरेक्टरी को खुद बहुत क्रिएट कर देगा। इसलिए हमें यहाँ पे पाथ डॉट एम के डर की या एम के डर्स की जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल जावा के अंदर हम ये करते हैं कि पाथ के अंदर मजीद काम करने से पहले मेक श्योर करते हैं कि क्या ये डायरेक्टरी है या फाइल है, और अगर डायरेक्टरी है तो क्या एग्जिस्ट करती है या नहीं, अगर एग्जिस्ट करती है तो ओके है, नहीं तो उसको एग्जिस्ट करवाना पड़ता है यानी कि वो डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ती है हमें। लेकिन ये गेट डर की अगर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये नजर आएगा कि गेट डर मेथड जो है वो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन की जो इंटरनल स्टोरेज होती है उसके ऊपर हमारे पास उसकी रूट डायरेक्टरी में, हमारी एप्लीकेशन की इंटरनल स्टोरेज की रूट डायरेक्टरी में हमारी एक कस्टम डायरेक्टरी क्रिएट करता है, उसको हमने डायरेक्टरी का नाम और मोड पास किया होता है तो वो डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है। अगर वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती होगी तो वो उस डायरेक्टरी को ओपन कर लेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो उसको क्रिएट करके ओपन कर लेगा। दोनों सूरतों में हमारे पास वहाँ पे उस डायरेक्टरी का जो है वो पाथ मिल जाएगा। तो नेक्स्ट में जो है वो एक फाइल क्रिएट करूंगा और यहाँ पे मैं सिंपल एक जो है न्यू फाइल का ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब पाथ की दफ़ा मैं सिंपल पाथ पास करूंगा और फाइल के नेम, सॉरी पाथ, और फाइल के नेम के लिए मैं abc.txt जो है वो पास कर दूंगा, मैं टेक्स्ट फाइल जो है वो क्रिएट करूंगा। अब जो कि मैंने स्टैंडर्ड कोड यूज़ करना है जो है वो राइट करने के लिए, तो वो हमारे पास जैसे हमने पहले देखा आउटपुट स्ट्रीम, तो कैसे हमारा कोड जो वो कंप्लीट हो चुका है। सिंपली ये होगा कि हमारी ये जो डेटा की स्ट्रिंग है, डमी वैल्यू है हमारे पास, तो वो हमारी इस फाइल के अंदर जो है वो राइट डाउन हो जाएगी। एक चीज़, अब इसी डेटा को जब हमने रीड करना है तो उसके लिए मैं जाऊंगा अपने रीड कस्टम डेटा के मेथड के अंदर। तो इसके लिए भी मैंने सेम जो है वो यही मेथड जो ये कोड मुझे यूज़ करना पड़ेगा, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब होगा क्या, पहली दफ़ा जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये इस डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो ये हमें जो है वो मिल जाएगी एज अ पाथ, फिर मैं इस डायरेक्टरी को यहाँ पे जो है वो मुझे एक्सेसिबल होगी। अब अगेन मैं इस फाइल को रीड नहीं करूंगा, सिंपल यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट, तो मैं यहाँ पे नीचे तो शो करवा दूंगा, और अगर ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो अगेन मैं तो शो करवा दूंगा नो फाइल का।
अगर आप इसे रीड करना चाहते हो तो आप एज अ प्रैक्टिस इसको रीड कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा भी है कि किस तरीके से हमने डेटा को रीड करना है। तो कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं। तो गाइस मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया है, मैं जाऊंगा अपने डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर और अपनी एप्लीकेशन का जो पैकेज है इसको ओपन कर लेता हूँ। ये तो आपको नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली हमारे पास इंटरनल स्टोरेज का फाइल्स का फोल्डर है, इसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट डायरेक्टरी के ऊपर, तो मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। मैं आऊँगा अपने पैकेज के ऊपर, इसको सिंक्रोनाइज करूंगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऐप अंडर स्कोर ऐप तो प्रीफिक्स हो गया मेरा, तो यहाँ पे आपने देखा माई अंडर स्कोर कस्टम अंडर स्कोर डर जो है मेरे पास मेरी डायरेक्टरी का नाम था, तो ऐप प्रीफिक्स और मेरे पास वो डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अगर इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा मेरी ये जो ABC की फाइल थी, ये वाली फाइल, वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और इसके अंदर हमारा ये डमी डेटा वो भी अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे अगेन एमुलेटर के ऊपर आता हूँ, क्लिक करता हूँ रीड कस्टम डेटा के ऊपर, तो यहाँ पे आपने देखा कि फाइल अवेलेबल का मुझे टोस्ट शो हो रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारी फाइल थी इसका रेफरेंस जो है वो मुझे यहाँ पे इस फाइल के अंदर मिल गया। अब इस फाइल को मैं रीड कर सकता हूँ या जो है वो डिलीट कर सकता हूँ, कोई भी डेटा इसके अंदर जो है वो मैं चेंजेस कर सकता हूँ। सो गाइज ये मैंने चीज़ आपको बतानी थी कि किस तरीके से हम जो है वो अपनी एप्लीकेशन की इंटरनल स्टोरेज के ऊपर कस्टम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं या कस्टम डेटा को डायरेक्टरी को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप ये भी कह सकते हैं कि हमने जो इंटरनल स्टोरेज को यूज़ करते हुए पिछले ओपन फाइल आउटपुट या ओपन फाइल इनपुट को यूज़ करते हुए जो फाइल्स क्रिएट की थी उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वो जो हमारे पास डायरेक्टरी थी वो हमारे पास रूट डायरेक्टरी में हमारे पास डेटा नहीं जाता, ये हमारे पास रूट डायरेक्टरी के अंदर ही एक कस्टम डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। इस पूरी डायरेक्टरी को हम अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं, ये जो हमारे पास फाइल है इसको हम अपनी मर्जी से इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम करवा सकते हैं। लेकिन इस डायरेक्टरी के अंदर काम करने के लिए हमारे पास कह लें कि एंड्रॉयड SDK की तरफ से बिल्ड इन जो है वो प्री डिफाइंड हमारे पास मेथड्स हैं, आप उन मेथड्स को एक स्टैंडर्ड तरीका उनके थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम इस कस्टम डायरेक्टरी को सिर्फ इस उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई कस्टम डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक गेम है जो आपने क्रिएट किया या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके लिए आपके पास आपकी एप्लीकेशन के लिए बिल्ड इन काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे ट्यून्स होंगे या छोटे छोटे आइकन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे या छोटी छोटी इमेजेस काफ़ी ज़्यादा होंगी, तो उन सारी के सारी इमेजेस या उन सारी के सारी साउंड्स की फाइल्स को आप एक ही जगह पे नहीं रखेंगे, बल्कि आप इमेजेस के लिए अलग कस्टम डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे और साउंड के लिए अलग कस्टम डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे और उनको उनके अलग अलग डायरेक्टरी में मैनेज करते जाएंगे। आपके लिए मैनेज करना भी ईजी रहेगा और डिपेंडिंग अपॉन जो रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशन के, जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन का स्कोप बढ़ता जाएगा आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होती जाती है, इस वक्त जो है वो ये चीज़ें हमारी हेल्प में आती हैं। तो गाइज आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि एक चीज़ आपने गौर से देखनी है। अगर मैं जाता हूँ अपनी इस एप्लीकेशन की इन्फो के अंदर और क्लिक करता हूँ मैं स्टोरेज के ऊपर और मैं क्लिक करता हूँ क्लियर डेटा के ऊपर, ओके करता हूँ, तो यहाँ अगर मैं अगेन अभी एप्लीकेशन के पैकेज के ऊपर आऊँ और सिंक्रोनाइज करूँ, तो सॉरी मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा पैकेज। यहाँ पे ये मेरा पैकेज है। अब यहाँ पे आपने देखा मेरे पैकेज के अंदर जितना भी डेटा था वो सारे का सारा डेटा रिमूव हो चुका है, क्योंकि मैंने जैसे ही क्लिक किया था क्लियर डेटा के ऊपर तो मुझे एक डायलॉग बॉक्स शो हुआ था कि जितने भी मेरी एप्लीकेशन के इंटरनल स्टोरेज के ऊपर एप्लीकेशन के रिलेटेड डेटाबेस होंगे या फाइल्स होंगे या कैशे टेम्परेरी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। तो अगेन आपको मैं बताता हूँ कि जितना भी डेटा हम एंड्रॉयड SDK को यूज़ करते हुए क्रिएट करते हैं इंटरनल स्टोरेज अपनी एप्लीकेशन के इंटरनल स्टोरेज के ऊपर, वो बेशक हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंसेज हो, हमारे पास हम आगे देखेंगे SQLite डेटाबेसेज हो या हमारे पास कोई हमारे टेम्परेरी फाइल्स हो या हमारे पास कोई भी टेक्सचुअल या बाइनरी फाइल्स हो, किसी भी तरह का डेटा जो इंटरनल स्टोरेज के ऊपर होगा, जैसे यूजर क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर यूजर क्लियर कैशे के ऊपर क्लिक करेगा तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कैशे क्लियर होगी, अगर क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करेगा तो जितना भी डेटा होगा वो सारे का सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। सो आई होप सो गाइस आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।